गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेट बनते हैं तो उस केस के अंदर तुम नोटिस करते हो कि एक डिप्लॉइड सेल है। इसके अंदर मियोसिस होती है, साइटोसोम फोर हैप्लॉइड सेल बन गई है। तो हम जो वर्ड मियोसिस है इन्हें डिवाइड किया गया है मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। जो मियोसिस वन है प्रोफेज वन, सेकेंड फेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इन दिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपनी सेगमेंट से चेंज कर लेंगे। जो अभी सेगमेंट से चेंज कर दिए तो न्यू कॉम्बिनेशन बन गए। रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन के नाल जिहड़ा यही क्रोमोसोम है ब्लू कलर वाला सोच कर लो ये फ्रेटरनल क्रोमोसोम है, जो अपना ब्लैक कलर वाला है मैटरनल क्रोमोसोम। तो पैटर्नल से मैटरनल क्रोमोसोम ने अपनी सेगमेंट एक्सचेंज कर दिया। तो जो सेगमेंट एक्सचेंज हुई होल कर लो इस जगह पे जो जीन पिया कैपिटल ए जीन पिया, इस जगह पे जीन पिया स्मॉल ए। तो हो सकता है कैपिटल ए जीन इधर चला गया हो, स्मॉल ए जीन इधर आ गया हो, है ना, कैपिटल बी जीन इधर चला गया हो, स्मॉल बी इधर आ गया हो, रीशफलिंग होगी ना। बट इस केस के अंदर नथिंग न्यू इज फॉर्म, कुछ नवा नहीं बनिया। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था पॉपुलेशन के अंदर, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था स्पीशीज के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम के अंदर, उसके नए कॉम्बिनेशन बन गए। दैट्स व्हाई रिकॉम्बिनेशन। बट नथिंग न्यू इज फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस। जो मैं तुम्हें कल एक एग्जाम्पल दी थी, सपोज वी हैव मार्बल, ठीक है, अपने को दो तरह के मार्बल है, एक ब्लू कलर दे एक व्हाइट कलर दे। ब्लू कलर दे मार्बल दा अपने इस बैक पाए हुए हैं, व्हाइट कलर दे मार्बल इस बैक पाए हुए हैं। अपने कुछ व्हाइट कलर दे मार्बल निकाले, ब्लू वाले बैक पाते, ब्लू वाले कुछ मार्बल निकाले व्हाइट वाले पाते, और रहेंगे तो ब्लू दे व्हाइट ही है ना। नथिंग न्यू इज फॉर्म, दिस इज ठीक है रिकॉम्बिनेशन विच अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस वन प्रोसेस वन सेकेंडरी। दीज आर द वेरिएशन विच आर नोन एज स्पॉन्टेनियस वेरिएशन। समझ आई गॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गेमेट्स बनेंगे, गेमेट्स बनाने दौरान रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन के वेरिएशन एंड दीज आर कॉन्टिन्यूस। तो हम जो ये वेरिएशन हैं दीज आर प्रेडिक्टेबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आर प्रेडिक्टेबल, यू कैन प्रेडिक्ट दैट, ठीक है। एग्जाम्पल तो तुम्हें पता लगा, ह्यूमन हाइट स्किन कलर कैन बी प्रेडिक्ट स्किन कलर और ह्यूमन हाइट इन ह्यूमन। वी मेट अ प्रेग्नेंट फीमेल एंड शी इज आस्किंग अस दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, कैन यू प्रेडिक्ट द कलर ऑफ माय बेबी। एक प्रेग्नेंट फीमेल तुम्हें मिली तो उन्हें पूछा कि तू प्रिडिक्ट कर सकते हो मेरी बेबी का कलर क्यों होगा, तुझे ऐसा नहीं कहूंगे हरा होगा नीला होगा।
बेसिकली उसकी फैमिली ट्रेंड देखोगे, उसके फादर का कलर कैसा है, उसकी मदर का कलर कैसा है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स का कलर कैसा है, उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स देखोगे, उसका तुम प्रिडिक्ट कर दोगे कि तुम्हारी फैमिली के अंदर तो सारे काले काले जी हैं, ठीक है, फिर तुम्हारे बच्चे का कलर डार्क ब्राउन हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्हों और इजी करते हैं, जिम्मे हम आप यूएसए की गल करिए, उसे लोग एल्बिनोज रहते हैं, यूएसए के अंदर ऐसे ही पॉपुलेशन रहती है जी जिन्होंने अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं है, मेलानिन ना हो करके बेसिकली उन्होंने रंग बहुत गोरा होता है, जिन्होंने आप एल्बिनोज बोलते हैं। अमेरिकन कंट्रीज के अंदर काफी लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने अंदर मेलानिन मैक्सिमम होता है, तो उन्होंने आप नीग्रोज बोल देते हैं। हम हसबेंड भी नीग्रो है, वाइफ भी नीग्रो है, उन्होंने फोर फादर है वो भी नीग्रो है, तो बच्चे कैसे होंगे नीग्रो, क्योंकि प्रिडिक्ट कर गए ना, फादर भी अल्बिनो है, मदर भी अल्बिनो है, फोर फादर है जेडे वो भी अल्बिनो है, तो बच्चे की होंगे अल्बिनो करके प्रिडिक्ट। सिमिलर वे हाइट है, हम पेरेंट्स की हाइट, ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट, ठीक है, आप देखते हैं लंबी चली आ रही है फैमिली के अंदर, बच्चों के लंबे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ग्राफ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन है उसका जो तुम ग्राफ बनाओगे तो बेल शेप ग्राफ आएगा, स्किन कलर ले लो, स्किन कलर के अंदर इस जगह से ले लो अल्बिनो, इस जगह से ले लो नीग्रो, सेंटर से मलेटो, मलेटो कलर देखिए इंटरमीडिएट कलर इज नोन एज मलेटो। तो उन्हें केस के अंदर लोगों का स्किन कलर एवं ही एक कॉमन एक्सिस के ऊपर वो कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। नीग्रो वाल चले जाएगा, अल्बिनो वाल चले जाएगा, या सेंटर मुलेटो वाल आ जाएगा, ह्यूमन हाइट का ग्राफ भी एवं बनेगा, ठीक है। हम आप इंडियंस की गल करते हैं, जो इंडियंस की हाइट है 5 फुट तो 6 फुट के बीच बीच है, 5 फीट टू 6 फीट, तो एक पॉइंट के ऊपर की आ गया 5 फीट, दूसरे पॉइंट से की आ गया 6 फीट, सेंटर के अंदर आ गया 5 पॉइंट, ठीक है, 5.6 फीट। तो केस के अंदर तुम देखोगे तो लोग एक मीन दे अराउंड रिवॉल्व होंगे नजर आएंगे, ठीक है, 5.5 फुट के नेड़े थे, कोई 5.5 फुट तो थोड़ा जा लंबा हो गया, कोई उसको थोड़ा छोटा हो गया, दीज आर कॉम्बिनेशन, जीन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट बट न्यू कॉम्बिनेशन आर फॉर्म, न्यू कॉम्बिनेशन करके इसके अंदर माइनर फ्लक्चुएशन नजर आ रही है, कॉमन एक्सिस दे रहा हूं, ठीक है, माइनर फ्लक्चुएशन अराउंड कॉमन एक्सिस, these are continuous shows bell shape, so now get discontinuous variation. डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन को आप स्पॉट्स भी बोल देंगे, दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पॉट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज साल्टेशन, स्पॉट्स ऑफ साल्टेशन। एंड इट्स रीजन इज रूल,
सडन एकदम जो चेंज आएगी वो एकदम आएगी सडन इनहेरिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास ऑन हो सकती है चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। इन डीएनए इज अवर ब्लू प्रिंट लाइफ ऑफ लाइफ। डीएनए इज अ केमिकल लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी केमिकल है, डीएनए भी केमिकल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो ये केमिकल है द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ, तुम बोलते हो शुरू तो कैपिटल डी जी है ना, जिसे करके प्लांट ऑन हो जाता है। फिर तुम बोलते हो स्मॉल डी जी जिस करके प्लांट एंड एडवांस रह जाता है। तो हम बेसिकली दोनों च फर्क क्या है, ये जीन है इज अ जीन कैपिटल टी जीन। हम इस कैपिटल टी जीन के अंदर देखो फर्स्ट इज एडेनिन, सेकंड इज थायमिन, साइटोसिन वन इन थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन वन से ए ऑलवेज बेस पेयर विद सी एट याद रखा करो। जी ऑलवेज बेस पेयर विद सी, देखो जी का भी ढिडा निकलिया हुआ है सी का भी ढिडा निकलिया हुआ है ना, बेस पेयर कर रहे हैं ए से टी दे भी टू टू डबल नहीं बोलूंगा काटा मार देगा एग्जामिनर इफ यू विल राइट डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देन एग्जामिनर विल ठीक है मेक ए बिग क्रॉस ऑन योर आंसर एंड टू हाइड्रोजन बॉन्ड से जी से टी के अंदर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड टू हाइड्रोजन बॉन्ड ए टी जी सी थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड बट जब बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा देन इट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। That's why DNA is more stable than RNA. And RNA is found single-stranded in nature. So, in this case, the under jo T gene hai, is the under dekho, jada hi letter hai, G. Fourth number hi hai na. Is the upar hai change aagi. This is mutation. इनकी बोलते हैं म्यूटेशन। उन्हें चेंज क्यों आई? There are many reasons, loads of reasons behind this mutation. ठीक है? लोग कहते हैं ना टोबैको प्रोडक्ट कंज्यूम करने के नाल कैंसर होता है। तो कैंसर के अंदर भी जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, म्यूटेट कर जाते हैं। तो इसका मतलब टोबैको के अंदर भी कुछ कंपाउंड पाए हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उस तो बाद तुम नोटिस किया होगा कैंसर के कुछ और रीजन सुने होंगे, देर आर फ्यू केमिकल, देर आर फ्यू लाइट लाइक यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ओजोन बारे पढ़ते हैं ना, ओजोन डिप्लीट होती जा रही है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, साड़ी अल्ट्रावायलेट लाइट है अपने अर्थ के सरफेस से आ रही है बट इसकी पेनिट्रेशन कट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है वेरी लेस पेनिट्रेशन, दैट्स व्हाई मोस्टली इट अफेक्ट्स अवर आईज एंड स्किन। मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट कैन नॉट कॉज लीवर कैंसर, ठीक है, एक ही करेगी बात तो बात स्किन कैंसर कर देगी या आई डैमेज कर देगी, ठीक है जी। सर इट इज ए म्यूटेशन, देखो ये म्यूटेशन कर हम अपने दिमाग से आ जाएगा किमे करती दैट विल डिस्कस वी लेटर ऑन, आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले समझो म्यूटेशन क्या है। सडन एकदम हो जाती है, ठीक है, इनहेरिटेबल, नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो सकती है, ठीक है, जेनेटिक मटीरियल के अंदर चेंज, ठीक है। एंड हम अपने एक सेल लेता वी टुक अ सेल एंड वी रेडिएट यूवी रेडिएशन ऑन दैट सेल, तो हम
जो यूवी रेडिएशन है क्या वो सेल को अफेक्ट करेंगी? कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। स्किन कैंसर है, कुछ लोगों को हो जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं होता। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। सर इना बड़ा डीएनए है, सपोज कर लो, तो उसके किड़े पार्ट को अफेक्ट करेंगी? एनी पार्ट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तुसी ये नहीं कह सकते भी मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट पाई है सर ए वाले पार्ट नो ही अफेक्ट करेगी। इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। अफेक्ट करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी, केड़े पार्ट नो अफेक्ट करेगी, गॉड नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अगर म्यूटेशन नो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो उस केस के अंदर जो डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। समझे? डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन फॉर सॉल्टेशन रीजन म्यूटेशन। एग्जाम्पल तुसी हेयरलेस डॉग्स ते कैट्स बारे सुने? गार्नियर भी एड आंदे होंगे ना, गार्नियर उसके अंदर वो हेयरलेस डॉग दिखाते हैं। डॉग इज डोंट हैव हेयर, वो कटे नहीं हुए, दे आर नॉट ट्रिम्ड, वो बाय बर्थ ही डॉग को हेयर नहीं। क्या पेरेंट्स को हेयर थे? यस, जो डॉग उन्होंने दिखाया उसके पेरेंट्स को हेयर थी, बट ओदे को हेयर नहीं है उस डॉग को, उस पप को। तो होया क्या होएगा? हेयर्स बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो गया, म्यूटेट कर गया। जब हेयर बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया तो हेयर्स बने, हेयरलेस डॉग बन गया। काउज और कैटल है फोन गांव को सिंह होंगे ना, कोई देखिए बिना सिंगोली का फोनलेस काउ फोनलेस कैटल होती है। कैटल विदाउट फोन ऑल्सो एक्सिस्ट, ठीक है। तो सिंह किथे गए? जदों जदों बेसिकली किसी काउ के अंदर कोर्न बनाने वाला जीन म्यूटेट हो गया, उसने ऐसे यंग वंस को बर्थ दिता जिन्हां दे अंदर होन फोनलेस। बट क्या वो बच्चा होनलेस पैदा होएगा? क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता था? उन्होंने पूरी प्रोजेनी के अंदर तो होन थी, नेक्स्ट बच्चे के अंदर होन जाना बंद हो गए, वो होन किथे गए? ठीक है, होन बनाने वाले जीन म्यूटेट कर गए, डिफेक्टिव हो। हाँ, अगली जनरेशन के अंदर भी राजे यही जीन पास ऑन होंगे। अगर सेम जीन पास ऑन होगा तो उस केस के अंदर तुम देखो जी अगली जनरेशन भी होनलेस होंगी। एक्चुअली तुम्हें एक गल समझ नहीं पाएगी इस क्वेश्चन ले, हम एक पर्सन स्किन कैंसर हो गया तो उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा, क्या उसके बच्चों के अंदर स्किन कैंसर जाएगा? विल स्किन कैंसर पास ऑन टू हिज चाइल्ड? है ना? तो हम समझो गल नो एक्चुअल के अंदर अजे आपने की किया एक एक्सपेरिमेंट के अंदर माइस ले रहे, माइस के उपर आपने अल्ट्रावायलेट रेज पाई, अल्ट्रावायलेट रेज की पेनीट्रेशन घट है, तो बेसिकली आप उन्होंने अंदर एक ऐसा लोड प्रोड्यूस हो गया जिसके अंदर स्किन कैंसर हो गया। वी टुक दैट माइस एज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, उस तो बाद उन्होंने माइस को आपने की किया रीप्रोड्यूस करवाया। जो रिप्रोड्यूस करवाया तो जो यंग वन प्रोड्यूस हुए नॉर्मल थे, तो इसका मतलब जे तो प्रॉब्लम सोमैटिक सेल्स से आएगी, नॉर्मल बॉडी सेल्स से आएगी, इट विल नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इफ प्रॉब्लम और म्यूटेशन अफेक्ट अवर जर्मिनल सेल्स जिसको स्पर्म के एग बनते हैं, देन इट विल पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर तो चेंज आ गई नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर, इट विल नॉट पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट अगर इन्हें अफेक्ट करता जर्म सेल्स नो स्पर्म एग्स बनाने वाले सेल्स नो, देन इट विल पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। इज क्लियर? बट म्यूटेशन समझ आ गया ना?
हेयरलेस लोग हैं या हॉर्नलेस के अंदर एंड कंशीव एंकन शीप इज अ शॉर्ट लेग शीप जब ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन अनप्रेडिक्टेबल है कैन बी मेक ग्राफ नो थोड़ा पार्ट जो मैंने यूज किया मैंने यूज किया बायो वन बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़े ना कोरिलेशन बिटवीन डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन अगर डीएनए के अंदर चेंज आएगी देन आरएनए चेंज आएगी आरएनए चेंज आएगी देन प्रोटीन चेंज आएगी तो जो तुम अपनी बुकलेट पढ़ोगे अपनी बुकलेट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है जो ऑर्गेनिज्म से साइज है ठीक है उन्होंने लाइफ स्पैन के नाल नेसेसरली कोरिलेट नहीं किए जा सकते मतलब अंदर एग्जाम्पल दी है क्रो के पैरेट की जो क्रो है उसका लाइफ स्पैन ठीक करना है बुकलेट के अंदर 15 ईयर 1.5 आ गया ना तो 15 करना है 15 ईयर जो पैरेट है 140 ईयर हम देखो इस केस के अंदर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल एक समझा रही है कि क्रोस से पैरेट तो ऑलमोस्ट सेम साइज के अंदर होते हैं सेम साइज के होने के बावजूद एक का लाइफ स्पैन 15 ईयर है दूसरे का लाइफ स्पैन 140 ईयर ठीक है तो उन्होंने लिखा हुआ है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड बट कैन बी कोरिलेटेड इट इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड बट इट कैन बी कोरिलेटेड इसका मतलब ऐसे एनिमल्स भी जरूर होंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जरूर होंगे जिन्हों के साइज सेम है लाइफ स्पैन भी सेम है तो एग्जामिनर इस लाइन को चेंज कर सकता है एग्जामिनर इस लाइन को चेंज कर सकता है भी जो ऑर्गेनिज्म के साइजेस हैं ठीक है तो वो सेम है क्या उन्होंने जो लाइफ स्पैन है सेम हो सकते हैं जब तुम ये नहीं कहोगे नहीं हो सकते हैं यस इट कैन बी नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है मतलब हो सकता है नेक्स्ट है अपना आर्टिकल बेसिक फीचर बेसिक फीचर ऑफ बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन आप सेल साइकिल जो पिक कर सकते हैं अपन ने देखा सेल साइकिल के अंदर फर्स्ट जीवन इट इज द गैप वन synthesis of some RNA and proteins will take place and which enzyme is synthesized over here DNA polymerase first of all recall what is gap 1 gap 1 ka matlab gap hai but actually under is phase ke andar cell apne aap ko prepare kar rahe hai next phase when we are in 10th जब आप टेंथ के अंदर हैं, तो आप अपने आप को प्लस वन लिए प्रिपेयर कर रहे हैं व्हेन वी आर इन टेंथ वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ फॉर प्लस वन व्हेन सेल इज इन गैप वन इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर सिंथेटिक फेज इन सिंथेटिक फेज डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन विल डबल दिस मीन्स इन गैप वन फेज सेल हैव टू अकोमोडेट सम मटीरियल न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड्स एंड अदर थिंग्स
and some enzymes which are required for synthesis of DNA and histone protein. Synthesis of RNA and protein. In synthetic phase, DNA and histone double. DNA contains double. But chromosome also doubles or remains same? Good. DNA contains doubles, but chromosome number remains same. What is the shape of chromosome? Rod shape. Kisa matlab? It will become rod shape. Heavy ki chromosome hai? Heavy ki chromosome hai. But ye synthetic phase paar kar ke kya synthetic phase ho gaya? Synthesis of RNA and proteins in gap 1, in synthetic phase DNA contains double. The M phase in the cell divide. To form reproductive unit and reproductive unit. एक बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का. तुम किसी भी रिप्रोडक्शन देखो तो उसके अंदर सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन नजर आएगी, उसके अंदर डीएनए कंटेंट डबल होता नजर आएगा, उसके अंदर सेल डिवीजन नजर आएगी ताकि रिप्रोडक्टिव यूनिट बनन, उसके अंदर उन्होंने रिप्रोडक्टिव यूनिट तो तुम नए ऑर्गेनिज्म भी बनते नजर आएंगे. दैट पॉइंट इज द बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन. कोई भी तरह की रिप्रोडक्शन के अंदर चीजा तुम नजर आने वाली है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन समझने की बेस्ट पार्ट है फंगस. जब आप पंजाबी पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसके अंदर तीन तरह की रिप्रोडक्शन देती हुई है. वन इज एसेक्सुअल, सेकंड वन इज सेक्सुअल, थर्ड वन इज वेजिटेटिव. इसका मतलब रिप्रोडक्शन तीन तरह की होगी. बट मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल देते हैं प्लांट से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल. In case of plant, it is known as vegetative protein. So, when one of the differences that should be here, fourth class, so, asexual reproduction, asexual reproduction, so, थोड़े जे recall कर लेंगे. फर्क क्या है asexual reproduction, asexual reproduction? अगर मैं कोई कहता है मतलब यार मैं वो बेसिक डिफरेंस दसो जो सेपरेट कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गुड गुड समझ गए. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एंड
जिसके अंदर दोनों होंगे मियोसिस एंड सिंगियोसिस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसको दोनों जो कोई भी नहीं होएगा या एक नहीं होएगा वो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज द बेसिक। ठीक है, तो सारे डालते हैं इट इज यूनिपेरेंटल, इट इज बाईपेरेंटल, है ना, पर बेसिक डिफरेंस है रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व मियोसिस एंड सिंगियोसिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। म्योसिस का सामने पता है सिंगेमी, सिंग मीन टुगेदर, गेमी टुगेदर मैच, फ्यूजन ऑफ गेमी सिंगेमी। This is uniparental, asexual reproduction, uniparental. 99.9% one parent is involved, uniparental. And sexual reproduction, it is usually biparental. Okay, but it is not always biparental. It is usually biparental. ठीक है, कहाँ हम टेप हो सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट इज फॉर्मिंग एग एज वेल एज स्पर्म। ठीक है, तो वो एग से स्पर्म फ्यूज हो रहे थे तो ग्रेविड प्रोपोगेटेड बन रहे थे, यूजली क्या ये जरूरी है जो हर्मेट्रोडाइट्स हैं वो हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करेंगे? मैं प्लस वन जी तो नीचे जो रिवाइज कराना है, रफ वर्क अपने को अच्छी है, थोड़ा नीचे लाइन लगा लो मैं तो इस केस के अंदर देखो ये फंडा याद रखो दो दो बार न्यू। ठीक है, लर्न दिस फंडा, एनमिलिया का फंडा है, टीनो टेल धर्मा, टीनो टीनो फोरा एवं अर्वों बट जरूरी नहीं है ना इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। लीवर आप गलती करके रहो ओनली टेब। ठीक है, ओनली टेब होम शो सेल्फ पड़ता है, याद आया? मैं थोड़े जा हिंट तोड़ देना, अपने देखा जो टेप वॉर्म है,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 19 ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ, it has proglotid, so jo ye proglotid hai kis tarah de hain, upper one immature proglotid, middle mature proglotid, end wale gravid proglotid, upper immature, central mature, terminal gravid, gravid da matlab pregnant which contains fertilized egg। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡ ਨੇ ਬਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡ ਆਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਨੈਕ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਲੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਗਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡ। ਸਿੰਸ ਟਰਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡ ਵਿਲ ਡਿਟੈਚ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ, ਐਪੋਲਾਈਸਿਸ, ਸੈਲਫ ਟੂ ਡਿਟੈਚ ਐਂਡ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। When, ठीक है, favorable environment मिलेगा तो उस केस के अंदर they will form new organism। का एग्जांपल की यानी की तरह है ना, तो देखो कितने सारे hermaphrodites हैं, herma means hermaphrodite, tapeworm, earthworm, liver fluke, leek, sponges, बट इन्हें जो सिर्फ tapeworm है कोई सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं तो बाकी नहीं कर रहे, बिकॉज नेचर डू नॉट फेवर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नेचर डोंट फेवर self fertilization, nature favored slow fertilization, why nature favored slow fertilization, so us de naal variations aangiyan, variations de naal adaptability badhegi, jive jive environment change hoega ohne ohne organisms de adapt hon de chances zyada honge, that's why nature favored slow fertilization। Clear, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनिपेरेंटल होगी, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ताई अपने वर्ड लिखते हैं यूजली, यूजली बाइपेरेंटल। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, विद और विदाउट, with or without the involvement of gamete, but gametes never fuse, gamete involve ho sakte hain lekin gamete kabhi fuse nahi hoge, with or without involvement of gamete, awkward lag rahe hain। So is case ke andar tum dekho, ek example likho, सिप्लीना ब्रह्मीना, स्मॉलेस्ट स्नेक ऑफ इंडिया, ओनली फीमेल इन स्पीशीज, नो मेल, मेल है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होएगा, female will lay egg, egg will hatch to become new ovum, there is no male, male hai nahi, so in case ke andar sexual reproduction nahi hai, involved hua gamete with the involvement of gamete, theek hai, second example hum iske liye hai uniparent, a uniparent jo todi kal booklet dikhti thi ki tuhanu us de andar apne last page de upar jo dekhya, that is दूजी फीमेल जो फीमेल फीमेल की तरह ही बिहेव कर रही है, टाइटली क्लेंच करने तो बाद बेसिकली जी इंडक्शन होगी, एग लेइंग इंडक्शन होगी फीमेल, कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज जो फीमेल है उन्हें मेल का रोल प्ले करेगी, इट विल प्ले द रोल ऑफ
मेल एंड इट विल टाइटली क्लेंच द, ठीक है, जो पहला मेल बनिया सीगा उन्हों फीमेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर उन्होंने ओवा एक्चुअली कर देगा। अपनी बुकलेट के अंदर लास्ट आर्टिकल देखो, एक एग्जाम्पल हो देती हुई है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मैं देखी थी कि लेसर्टा सेक्सिकोला अरमानिका इसके अंदर की तरफ फीमेल था, ओनली फीमेल इन स्पीशीज लेसर्टा सेक्सिकोला अरमानिका। बहुत कंफ्यूजन है राजे, जो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे ना अलग अलग बुक के अंदर, किसी बुक के अंदर ना ये वाला केस है, ठीक है, इनू आप पार्थेनोजेनेसिस बोल देने हैं, जिसे नोन है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोकार्पी पढ़िया सीगा ना पिछले साल, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूगला बनना इस पार्थेनोकार्पी, तो इसे वर्ड है पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनो इज वर्ड जेनेसिस इज वर्ड फॉर फॉर्मेशन। हम कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कुछ बुक के अंदर तो हम लिखा होगा पार्थेनोजेनेसिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ बुक के अंदर लिखा होगा पार्थेनोजेनेसिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तुम की लोगे सेक्सुअल के ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल क्यों, मियोसिस एंड सिंगेमी इज मिसिंग, अगर मियोसिस एंड सिंगेमी दोनों प्रेजेंट होंगे तो मैं की ले लेंदा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बट फिर मैं इसकी डिटेल पढ़ी तो लिखा है कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन तो बनी है बट एक्चुअली इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दो वर्ड हो गए ना, इज अ मॉडिफाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट एक्चुअली इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या वेरिएशन अपीयर होंगी, हूं आप लोअर क्लासेस तो एक वर्ड बोलते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोल वेरिएशन, बट ऐसे भी फर्क है, फिर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा डू वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है क्या उनको जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए है जेनेटिक मटीरियल, अगर डीएनए है तो उसके अंदर क्या म्यूटेशन हो सकती है, अगर म्यूटेशन हो सकती है तो वेरिएशन किया जाएगा।
variations can appear during asexual reproduction. Due to mutation. फॉर एग्जाम्पल अपन ने फंडा लिखा है टीनोडेल धर्म स्पॉन्जिस के अंदर केड़ी चीज है जी प्रिवेंट कर रही है सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जिस के अंदर प्रोटोबायनस फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्ड अर्लियर देन मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ स्पॉन्जिस अर्थ फॉर्म के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्ड अर्लियर देन फीमेल सेक्स ऑर्गन ठीक है तो हूं आप चैप्टर पढ़े सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल तो उसके अंदर माइनर की गल करते हैं अर्थवॉर्म की तो जो तुम चैप्टर पढ़ोगे ना तो उन्हें अर्थवॉर्म का कोई रेफरेंस नहीं दिता हुआ इस चैप्टर के अंदर बट अर्थवॉर्म की डायग्राम दी हुई है जो तुम मेरे नोट्स देखोगे उसे मैंने एनसीईआरटी की डायग्राम लगाई हुई है ओपन करके पेज नंबर 13 के ऊपर देखो फर्स्ट डायग्राम अर्थवॉर्म की अर्थवॉर्म की डायग्राम के अंदर ध्यान ऑब्जर्व करो उसका तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखा रहा है मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर एक बड़ी डायग्राम करती जिसके अंदर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बेटर क्लियर करता उस तो बाद सेकंड डायग्राम देखो कोकरोच की डायग्राम के अंदर देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नजर आ रहे हैं मेल से फीमेल के अंदर है ना जो इस केस के अंदर मेल है उसके अंदर एनल स्टाइल्स नजर आ रहे हैं फीमेल के अंदर एनल स्टाइल्स नजर नहीं आ रहे एनल सर्किट दोनों च नजर आ रहे हैं दे आर सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन थर्ड नंबर से देखो जो फीमेल कॉकरोच है उसके अंदर 8 ओवेरियोल्स नजर आ रहे हैं ना वन ओवरी इज मेड अप ऑफ 8 ओवेरियोल्स है ना तो निचलियां उस तो बाद प्लांट दी डायग्राम दी हुई है प्लांट दिया डायग्राम के अंदर फर्स्ट डायग्राम देखो कारा दी दी है ना एग्जाम्पल ऑफ कारा ते उस तो बाद देखो मरगेंशिया उस तो बाद टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर एदा मतलब प्लस वन दिया डायग्राम चक्कियां चक के सीधिया इतने की करती पेस्ट करती पेस्ट करने का सिर्फ रीजन एना सीगा कि प्लस वन की ही गल चल रही है जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है ये एक्चुअली निकालिया कितों है प्लस वन उस केस के अंदर हूं आप गल करते हैं अर्थवॉर्म की इसको पहला इस जगह के बस ये लिखना सेक्सुअल सबसे पहला मैं नाम बताऊंगा जिसे साइंटिफिक ने नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म
नॉर्थ इंडियन अर्थोमिस्पेरिटी में बहुत घूमा नाम ऐसा भुले नहीं जाता है ना, जब भुलने भुलने की कोशिश करिए तब नहीं पता पेरिटी में बहुत घूमा। सेंस केस के अंदर नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म है डोर्सल साइड बनाई है अपनी कि वेंट्रल साइड बनाई है। आज तक तो आउटलाइन बनाई है, ठीक है, जस्ट आउटलाइन ऑफ अर्थवॉर्म। अगर इसके अंदर तो इस जगह पे कि डार्क ब्राउन कलर की लाइन नजर आ रही है, मैं ड्रॉ कर रही हूं, मैं मिटे होगा। अगर तो मैं करूंगी डार्क ब्राउन कलर की नजर आ रही है डोर्सल साइड ऑफ अर्थ, ठीक है जी, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डोर्सल साइड नहीं चाहिए थी, मैंने वेंट्रल साइड चाहिए। मैं तुम इस करके दसिया थानू पता होना चाहिए डोर्सल साइड के लिए वेंट्रल साइड के लिए, जी डार्क ब्राउन कलर की लाइन है डोर्सल ब्लड वेसल, डोर्सल ब्लड वेसल ट्रू हार्ट ऑफ अर्थवॉर्म, ट्रू हार्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज दिस डोर्सल ब्लड वेसल। तो हूं मैं आ गया वेंट्रल साइड से, इसका मतलब लाइन किधर गई, व्हाइट बोर्ड की बैक साइड से सही होगी वेंट्रल साइड। हूं सबसे पहले तो थोड़ा इसके ऊपर लिखोगे 14, 15 से 16 सेगमेंट। इसके ऊपर तुम स्टार्टिंग तो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसकी उन्होंने स्प्लिट एनम, 14-16 सेगमेंट इज प्लेन, बाकी देखो एवं बनी हुई है ना स्ट्राइएशन, 14-15-16 सेगमेंट प्लेन है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, चलिए ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर 14 सेगमेंट के ऊपर एक कोर है ऑन वेंट्रल साइड। फीमेल जेनिटल कोर 18 सेगमेंट के ऊपर टू कोर, 17 सेगमेंट से 19 सेगमेंट जब ऊपर छोटे छोटे प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर पाई है जिन्होंने उन्होंने सेक लिया जेनिटल पैकेज। फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सेगमेंट के बीच 7-8 सेगमेंट के बीच 8-9 सेगमेंट के बीच कोर है, परमेटिकल कोर। इस
स्पर्मेटिकल फोर्स है जी, इन्हों के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पई है। हरमेट्रोलाइट है बट हमेशा की क्यों करता है ग्रोथ बढ़ रही है। हरमेट्रोलाइट होने के बावजूद ग्रोथ फर्टिलाइजेशन क्यों फेवर हो रही है, व्हाई ग्रोथ फर्टिलाइजेशन इज फेवर? फर्स्ट कंडीशन प्रो टेंडर एंड्री मेल प्रो अर्ली अर्ली मेल सेक्स मैच्योरेशन। सेकेंड मॉर्फोलॉजियों को डोर्सल सरफेस का डोर्सल ब्लड वेसल की जिसका मतलब दिस इज वेंट्रल सरफेस ऑफ अर्थ। जो ये अर्थवॉर्म है नॉक्टर्नल एनिमल, अर्थवॉर्म इज एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो हम सिर्फ रेनी डेज के अंदर नजर आता है, रेनी डेज के अंदर की होता है कि जी बर्रो है उसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भरन करके अपनी बर्फ तो बाहर आ जाता है, तब हम दिन के टाइम नजर आता है, अदरवाइज इज नॉक्टर्नल। इसका ब्रीडिंग सीजन इज रेनी सीजन। तो हम रेनी सीजन के अंदर तुम नोटिस करोगे क्लिटेलम वाला स्ट्रक्चर है, क्लिटेलम 14 15 16 इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, बर्थ तो इन्हें मिल जाती है, दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ठीक है, से एंड तक रहती है। से लीक के अंदर जो क्लिटेलम है टेंपरेरी होता है, केस ऑफ लीक क्लिटेलम इज टेंपरेरी 9 टू 11 सेगमेंट, इट्स 14 15 16 सेगमेंट लीक के अंदर 9 11 12 सेगमेंट 9 2 11, ठीक है। तो केस के अंदर जो क्लिटेलम है इधर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड दिस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर विल सीक्रेट कोकून। द कोकून सीक्रेटेड बाय जो ये कोकून है इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इज अ 14 सेगमेंट ना, द 14 सेगमेंट विल एग्ज इन दिस कोकून इज अनफर्टिलाइज्ड है। नाउ दिस कोकून विल मूव ऑन एंटीरियर साइड,
अपना 14, ये 13 सेगमेंट होगी, ये 12 सेगमेंट होगी, ए वाली साइड एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर। Which are present on 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. On the release. Song is released in Kapoor, which came from another earthworm. Fertilization. Outside the fertilization in Kapoor, outside the body. हो सके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को this part like it. Direct development or indirect development? जो एग्स में विदाउट लार्वल स्टेजेस डायरेक्ट गिफ्ट कन्वर्ट होंगे अर्थ वॉर्म के अंदर, विच इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जो एनसीईआरटी डायग्राम है वो इस चीज में सिग्निफाई कर रही है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड रिप्रोडक्शन ऑफ अर्थ वॉर्म। अर्थ वॉर्म की रिप्रोडक्शन की कहती है ना, यू कांट से अर्थ वॉर्म इज नॉट इन अवर फ्लेवर एंड प्लस वन द अर्थ वॉर्म बिकॉज ऑफ प्लस टू की बुक के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशली अर्थ वॉर्म की रिप्रोडक्टिव डायग्राम देती है, उस चीज के ऊपर अपने होल्ड बनाना है। हम एग्जामिनर ए रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, टेस्टिस केडी सेगमेंट्स पाए हैं, मैंने तो एक्सटर्नल फॉर्म्स दसे थानू, ठीक है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर लिए सेगमेंट्स वाली डायग्राम थोड़े नोट पे, ठीक है, उसको फॉलो करो। आइए नजर सेगमेंट से पार्ट, ठीक है,
ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਈਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵੋਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਫਸਟ ਅਰਥ ਵੋਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪਰਮਸ ਹੈ 18 ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਜੈਨੀਟਲ ਪੈਪਿਲਾ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਪਰਮੇਸੀ ਕਿਉਂ ਫਸਟ ਅਰਥ ਵੋਮ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਅਰਥ ਵੋਮ ਦੇ ਸਪਰਮੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨ ਜਦੋਂ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੀਟੈਲਮ ਬਣੇਗਾ ਕਲੀਟੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗਸ ਆਣਗੇ ਕਲੀਟੈਲਮ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਪਰਮੇਸੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਕੂਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਬਰੋਜਿਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਅਰਥ ਵਰਮ ਬਣਨਗੇ ਅਰਥ ਵਰਮ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਅਰਥ ਵਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ chances of variation ਅਰਥਵੋਮ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਅਰਥਵੋਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਕਰੋਚ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਾਇਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਮੇਲ ਕੋਕਰੋਚ ਫਰੋਮ ਫੀਮੇਲ ਕੋਕਰੋਚ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਨੈਰੋ ਐਬਡੋਮਨ ਬ੍ਰੋਡ ਐਬਡੋਮਨ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਰਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਕੋਕਰੋਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿੰਫ ਹੈ ਤੇ ਅਡਲਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਿੰਫ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਵਿੰਗ ਬਟ ਅਡਲਟ ਹੈਵ ਵਿੰਗ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਵੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਲੱਸ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨੀਮਲ
रजमुन आगे वायर। वायरल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना, वायरल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। एक तो तीन चार क्वेश्चन ही मेनली पूछता है, जो तीन चार क्वेश्चन है वो ही बार बार रिपीट कर लेता है। जो वर्ड है बैक्टीरियो फाज, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फाज मीन्स ईटर, ठीक है, फाज मीन्स ईटर, बैक्टीरिया ईटर। उन बैक्टीरिया नु किसको खा लेगा है ना, वायरस। तो उस केस के अंदर एक्चुअल के अंदर जो बैक्टीरिया नु इन्फेक्ट कर रहे हैं दैट पर टर्म बैक्टीरियो फाज, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो हम तुम देखोगे टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन वायरस। लिटिक साइकिल एंड लाइसेंस। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइकिल विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियो फागी, वन इज लिटिक साइकिल एंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक का मतलब लिटिक वर्ड कम फ्रॉम लाइसिस, इसके अंदर जो वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को तो ब्रेक करेगा बैक्टीरियल सेल ड्यूरिंग इट्स साइकिल, दैट फॉर लिटिक साइकिल। This reproduction virus we use machinery of bacteria for making it copy. And destroy bacteria at that. In this viral reproduction. In this viral reproduction, viral genome will integrate with bacterial genome. And become part of bacterial. इस केस के अंदर जो वायरस है बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, साइकिल क्लियर है तो नहीं थोड़ी डिस्कशन करी जाएगी लिटिक से लाइफ से जाने की, फिर डिस्कस थोड़ा सा।
बैक्टीरियोफेज। देखो जी कैटकोलाइक पिछले साल में आया हुआ है सेकंड क्वेश्चन प्रोटीन कोट ना कैसे कैसे टेल फाइबर वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया देता है इसको टेल में। तो उसके बाद ये हो गया फर्स्ट इन्फेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शन? व्हेन एनी पैथोजन एंटर्स इन अवर बॉडी दिस इज इन्फेक्शन। एंड फॉर एग्जांपल एंडामीबा हिस्टोलिटिका इट इन्फेक्टिव फेज टू मैनी इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव मैं ताही क्वेश्चन पूछ रहे थोड़े को इन्फेक्टिव क्वाड्री न्यूक्लियर इज इन्फेक्टिव फेज ऑफ एंडामीबा हिस्टोलिटिका टू मैन। व्हेन इट एंटर्स इन अवर बॉडी देन आफ्टर few metamorphoses or changes, it will transform into trophozoite. This trophozoite will penetrate in mucosa and submucosa of our intestine. Our intestine have four walls, mucosa and submucosa. उसे trophozoite will eat अपने RBC, human RBC, cells of mucosa and submucosa, ठीक है? उसके बाद ही राजे फिर multiply करेगा, multiply करके फर्दर ये की बनेगा क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट। जेडे क्वाड्री न्यूक्लियर सिस्ट है उसे फोर न्यूक्लियाई फीकल मैटर दे थ्रू बॉडी तो बाहर कंटेमिनेटेड फूड दे वाटर दे नाल गेम में भी पर्सन दी बॉडी एंड लाइफ साइकिल प्रोटीन दिस इज आल्सो रिप्रोडक्शन। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्टिव स्टेट? व्हेन पैथोजन एंटर्स इन अवर बॉडी एंड व्हाट इज पैथोजेनिक स्टेट? व्हेन इट कॉजेस डिजीज, ठीक है? जब डिजीज कॉज करेगा वो पैथोजेनिक स्टेज, जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा इन्फेक्टिव स्टेज। मैंने वर्ड लिखा है इन्फेक्टिव। यूजली आप पेपर के अंदर गलती करके आते हैं पैथोजेनिक से इन्फेक्टिव स्टेज का डिफरेंस क्रिएट नहीं करते, डिफरेंस क्रिएट करना है। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद हेल्प ऑफ टेल फाइबर। लाइसोजाइम इज बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम। लाइसोजाइम कैन ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। लाइसोजाइम एंजाइम कैन ब्रेक द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। जिस पॉइंट के ऊपर इन्हें इन्फेक्शन की है टेल फाइबर ने उस पॉइंट से की रिलीज किया lysozyme will at the site of infection. Like site se likh sakte hain jinhonu yaad nahi hai, lysozyme can break the cell wall of bacteria. Only genome of virus enter inside the cytoplasm. Only genome of virus enters inside the cytoplasm of bacteria.
Now viral genome uses the machinery of bacteria. And inactivates bacterial genome. Bacteria the genome no inactivate karta. The bacteria the machinery use karke ne apni copies banani hai. वायरल जीनोम है वेरी फ्यू जीन वायरस के जीनोम को बहुत थोड़े जीन होते हैं 250-300 जीन होते हैं तो उस केस के अंदर इसको जो कुछ जीन हैं दे विल एक्टिवेट वायरल जीनोम विल एक्टिवेट टू फॉर्म कैप्सिड टेल एंड टेल फाइबर Assembly of these viral parts will take place. New viral particles will take. जेनेटिक मटीरियल पैक हो तो बाद जो टेल फाइबर अटैच हो गए बन गया कंप्लीट वायरस उन्हें कंप्लीट वायरस है सेल वॉल को ब्रेक करेगा इनर्ट वायरस नाउ इट इज इनर्ट वायरस नाउ इट कैन इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल लिटिक साइकिल इस केस के अंदर बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक हुई है ना दैट वे लिटिक साइकिल अगर सेल वॉल नहीं तोड़ता तो क्या होता लाइसोजेनिक साइकिल ठीक है तो अपनी प्लस वन की वायरोलॉजी पढ़ी थी जिससे अपने वायरस उसे तो मिलेगा वायरल रिप्रोडक्शन के अंदर लिटिक साइकिल सेकेंड है जो लाइसोजेनिक साइकिल शुरू नहीं हो पाएगा वो ठीक है वो कल करा गया सारे ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन करवा दूंगा जिन्हें थोड़े सिलेबस में ठीक है प्लस वन तो जिन्हें भी ऑर्गेनिज्म पढ़े ना वायरस तो शुरू हुए थे वायरस मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनमिलिया ठीक है यदि मेन मेन रिप्रोडक्शन करवा अगर याद नहीं है देन रिवाइज कॉकरोच तो उसका मेन मोटिव यही है डायग्राम से देखो आप किंगडम प्लांटी ब्रायोफाइट पढ़े थे ना ध्यान देखो जी एनसीईआरटी के डायग्राम से ब्रायोफाइट के डायग्राम से डायग्राम का मार्क एंट्री है ईवन ये भी मेंशन नहीं किया प्लस टू के चैप्टर के अंदर मार्क एंट्री दिया डायग्राम में है ना सिर्फ डायग्राम सुना दिया मेल सेल और फीमेल सेल दिस इज वेरी क्लियर मार्क एंट्री इज अ ब्रायोफाइट एंड ब्रायोफाइट बॉडी कांट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज
which one is male and which one is female, which have 8 lobes is male, which have 9 rays is female. ठीक है, क्या अनुलोम करो गैमा काप भी पढ़े थे ना, ठीक है, एना दीदी वेजिटेटिव बॉडी है उसके ऊपर गैमा काप पढ़े थे. तो हम इन्हें आसान क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन के अंदर आए हुए हैं पिछले साल के अंदर. एग्जामिनर ने की किया फीमेल से अलग सेक्शन, फीमेल से अलग सेक्शन तो बाद में ये स्टार भी एक ही है, ठीक है ना. आर्किगोनियोफोर, तो उस केस के अंदर आर्किगोनियोफोर के ऊपर ए लिखता, क्यों तो पूछा भी जो ए डिपिक्ट किया गया डायग्राम के अंदर की चीज है. तो जेडे स्टूडेंट नु ता मेल से फीमेल से अलग की पहचान थी कि उन्हें पता थी आर्किगोनियोफोर के एंसिडियोफोर है ना, पर अदरवाइज इस रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. अपन प्लांटिंग पढ़ी थी, ठीक है, किनो किनो क्लियर है रिप्रोडक्शन, क्लियर इस रिप्रोडक्शन. बाकी नोट्स कितनी है ना सबने, जो मार्केंशिया की रिप्रोडक्शन है वो नोट डाउन है ना सबको, सब एक बार पढ़ना, ठीक है, अपने को टाइम भी है, मैं क्लास भी करवा दूंगा, बट एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है. Thank you.